नमस्कार, कैसे हैं आप? आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की तारीख तय कर दी है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच होगा और भारत पहली बार अकेले वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। इससे पहले 1987, 1996 और 2011 में भारत वर्ल्ड कप का आयोजक रहा है, लेकिन पहली बार पाकिस्तान साथ में था, उसके बाद भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका रहा, फिर 2011 में बांग्लादेश भी उसका हिस्सेदार था। अब की बार भारत की बढ़ती शक्ति वर्ल्ड कप का भारत अकेले आयोजन कर रहा है। इंग्लैंड के बाद भारत एकमात्र देश है जो वर्ल्ड कप का अकेले आयोजन कर रहा है। यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का भी एक नमूना है। लेकिन वर्ल्ड कप के इस आयोजन में भारत की भूमिका ने एक बार और साफ कर दिया है। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। दरअसल पाकिस्तान ने यह डिमांड किया था कि वो भारत में आकर के वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, किसी दूसरे देश में ये तारीख रखी जाए और भारत पाकिस्तान का मैच किसी थर्ड कंट्री में हो। लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान के इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा तुम्हें खेलना है तो खेलो, वरना घर बैठो। अब कंगाली और बदहाली में जी रहा पाकिस्तान, आटे के लिए तरस रहा पाकिस्तान को लगा कि दो पैसे की आमदनी हमारे क्रिकेटरों को हो जाएगी तो जीविका ठीक ठाक चलेगी, थोड़ा बहुत क्रिकेट से आमदनी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्रिकेट के अलावा कुछ है भी नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान को यह लगा कि जब एशिया कप होना था अभी हाल में, तो भारत ने कह दिया कि वो पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेगा, तो भारत और पाकिस्तान के मैच का आयोजन श्रीलंका में हुआ। पाकिस्तान भी यही उम्मीद लगाए बैठा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत के बदले कहीं और होगा। लेकिन आईसीसी ने तय कर दिया कि तुम्हें खेलना है तो यहीं खेलो, वरना खेल से बाहर हो जाओगे। तो अब पाकिस्तान को भारत के साथ पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 5 अक्टूबर को खेलना होगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं बची हुई है। ये भारत की एक शक्ति दिखा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 साल बाद एक बार होता है। पाकिस्तान के पास सचमुच कोई चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान भारत बनने चला था, लेकिन उसे औकात दिखा दी गई, उसको अपनी औकात पता चल गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि इसमें उनकी भी चल जाएगी। इमरान पाकिस्तान को वर्ल्ड कप विजेता बना चुके थे। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, इसीलिए पाकिस्तान ने मेजबानी का दावा ठोका। पाकिस्तान भिखारी तब भी था और उसने भारत से मदद मांगी कि भारत के साथ मिलकर वो वर्ल्ड कप आयोजन करेगा, लेकिन मोदी काल में पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हुआ है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आटे तक नहीं मिल पा रहे हैं, वो आतंकवादी राष्ट्र घोषित होने के कगार पे है। भारत ने 57 मुस्लिम कंट्रियों से भी उसके पर कतरवा दिए। अभी मिस्र में जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर भी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया। इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है। ऐसे में आईसीसी में पाकिस्तान की एक ना चली। अब औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान, गिर गिरा करके भारत आएगा और सालों बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहां पर खेलेगी। वैसे भारत ने उसे अछूत पहले ही बना रखा है। भारत ना उसे क्रिकेट के लिए आमंत्रित करता है और ना वहां जाकर के खेलता है। भारत ने उसे इस कदर आइसोलेट कर दिया कि पाकिस्तान में घरेलू मैच भी, मतलब कोई भी देश खेलने नहीं जाता। आईसीसी पर भारत के दबदबा का ये प्रभाव है कि पाकिस्तान में दुनिया का कोई भी देश खेलने नहीं जाता। यह पाकिस्तान की दुर्गति का कारण है और इसी पाकिस्तान का सपना
यहां का एक बड़ा जिहादी वर्ग देखता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, और कई बार भारत के अंदर पाकिस्तानी झंडे जिहादी फहराते नजर आते हैं। ये वो औकात दिखा रहा है जो कई लोग कहते हैं कि जब बृहत भारत बनेगा तो पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, और फिर हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ होंगे। ये दिखाता है कि भारत का एक मजबूत हिस्सा जब पाकिस्तान बन गया, आर्थिक रूप से संपन्न, ऊर्जा खेती के रूप में उर्वरक भूमि, तो कैसे बर्बादी हो गया। क्रिकेट में पाकिस्तान का दबदबा था, अब वह भी खत्म हो गया। आज भिखारी की स्थिति यह है कि ICC ने कह दिया नो चॉइस फॉर बेगर।